तो गाइज ये एक नॉर्मल एयरप्लेन यानी जो है भाई हम लोग बचपन में जो है काफ़ी ज़्यादा एयरप्लेन उड़ाया करते थे और इस टाइप का एयरप्लेन हमने बहुत ज़्यादा उड़ाया है जो कि कुछ इस तरीका से भाई जो है उड़ती है, ठीक है। लेकिन गाइज अब जो है दौर जो है हम लोग का बदल रहा है और अब जो है हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब बाकी है भाई कुछ बड़ा करने का। तो आज की इस वीडियो में भाई साहब हम लोग एक बैट एयरप्लेन तैयार करने वाले हैं जो कि कुछ पंछी की तरह यानी चमगादड़ की तरह जो है उड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम आपको उसे बनाने के लिए एक A4 साइज का पेपर का यूज़ करेंगे और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रफ पेपर थी, ठीक है, A4 साइज की, तो हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इस एयरप्लेन को बनाने के लिए गाइज सिंपली सबसे फर्स्ट इसको कुछ इस तरीका से बीच के भाग से ऐसे हम लोग फोल्ड कर देते हैं कि ताकि हमारा जो एरोप्लेन है कुछ अच्छी तरीका से बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सिरा को हम लोग अच्छे से टच करा देंगे, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हाथ से कुछ इस तरीका से जो है इसे प्रेस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऐसे करने के बाद गाइज हमारा नेक्स्ट स्टेप है भाई वो है गाइज इसे दोबारा से जो है इस साइड का जो है सिरा को फिर ये वाली भाग से कुछ ऐसे जो है भाई हम लोग मिलाएंगे, ठीक, यहाँ पे और ये वाली, ठीक। और ये मिलाने के बाद दोनों को हम लोग इस तरीके से प्रेस करके फिर इस साइड को जो है अच्छी तरीका से जो है हाथ से जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देंगे और फिर गाइस सेम तरीका का जो है पीछे भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक। हमारा जो प्लेन का जो है भाई उसका बेस जो है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे ये कुछ इस तरीका से जो है बन जाता है, ठीक। तो अभी जो गाइस नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एयरप्लेन को बनाने के लिए वो है गाइस इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक इसको जैसे कि फोल्ड करना, ठीक। तो सबसे फर्स्ट भाई इसे हम लोग यहाँ पर जो है भाई मिला करके एकदम अच्छे तरीक़ा से, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा नुकीली ऐसे निकली यहाँ से करके और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से भाई इसे हम मिलाएंगे। तो गाइज ये जो है कुछ इस तरीका से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बताया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप भी बनाएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो भाग है भाई एकदम नुकीला होना चाहिए ताकि जो है ये एयरप्लेन बनने के बाद काफ़ी अच्छी तरीका से जो है फ्लाई कर सके, ठीक है। तो एक साइड का जो हमने तैयार कर दिया है और सेम चीज़ है जो भाई पीछे के साइड हमें करना है, तो पीछे जो करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और पीछे कुछ इस तरीका से ये साइड हम लोग मिला लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसे इस तरीका से यहाँ पर बराबर कर लेंगे हम लोग ताकि जो है उसी तरीका से जो है इस साइड भी जो है हमारा प्लेन का जो सिरा है वो तैयार हो जाए, ठीक। तो इधर आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ भी कुछ उस तरीका से यहाँ पे नुकीला यहाँ पे है जो बन गया है और अपने हाथ से जो है इसे कुछ हम लोग इस तरीका से जो है प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अब एकदम परफेक्ट जो है हमारा इसका जो है बेस तैयार हो रहा है, ठीक है। और अब जो है गाइज सबसे इम्पोर्टेंट जो इसे कुछ इस तरीका से जो है भाई हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीका से इसे हम लोग यहाँ पे दोनों सिरा को इधर मिला के इधर वाले को भी ध्यान में रख के हम लोग इसे अपने हाथ से कुछ इस तरीका से जो है इसे प्रेस कर देंगे, ठीक। और उसके बाद फिर दोबारा से ही इसे इस साइड से फिर हम लोग ऐसे करके नीचे वाला को भी मिला लेंगे और इधर वाला को भी मिला के फिर से इसे जो है भाई बढ़िया तरीका से यहाँ पे ला के कुछ ऐसे है तैयार कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी जो है हमारा जो है इस प्लेन का जो बेस है वो तैयार हो चुका है और अब जो है भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चीज़ को यहाँ पे लाने का, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से ये जो है भाई आ जाती है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से जो है बन जाता है और जो है इसका स्ट्रक्चर जो हमने तैयार कर लिया और अब जो है भाई इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर वाले साइड पर कॉर्नर पर इसे ऐसे हमने फिक्स करके कुछ इस तरीका से बना दिया, ठीक। और फिर इस वाले कॉर्नर को फिर इस वाले कॉर्नर से हम लोग ऐसे टच कर देंगे, ठीक। ऐसे बनने के बाद जो है भाई हमारा जो एरोप्लेन है काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट हो चुका है और अब जो है भाई इसे फिर से हम लोग ऐसे पीछे की ओर ऐसे जो है ऐसे फोल्ड कर देंगे और अब जो है इसे फोल्ड करने के बाद फिर से जो है भाई इसे कुछ इस तरीका से हम लोग इधर मोड़ देंगे और उसके बाद इस चीज़ को हम लोग फिर से दोबारा जो है अपने साइड की ओर इस तरीका से जो है फिर से एक बार और फोल्ड कर देंगे और उसके बाद भाई
जो है इसे अब हम लोग कुछ इस तरीका से दोबारा से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे जो है ऐसे प्रेस कर देंगे। और अब जो है हमारा एरोप्लेन है जो काफ़ी हद तक बन चुका है, बस एक स्टेप करने के बाद जो है हमारा एरोप्लेन है जो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई हम लोग सबसे फर्स्ट इसको कुछ ये वाला जो भाग है इतना से हम लोग जो है इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे भाई, कुछ ऐसे इस तरीका से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ इसे ऐसे फोल्ड कर दिया। और दूसरा जो स्टेप है भाई वो सेम है, इस तरीका से जो है इस साइड से भी हमें फोल्ड कर देना है ये वाली भाग को ऐसे। तो गाइस नॉर्मल जो है अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एरोप्लेन है गाइस वो बन करके तैयार हो चुका है। और अब जो है बारी है इस एरोप्लेन की टेस्टिंग करने की, यानी कि ये कितनी अच्छी तरीका से फ्लाई करता है इस वीडियो में पूरी तरीका से जानेंगे। तो चलिए अब जल्दी से जो है हम लोग अपना एरोप्लेन को उड़ा के देख लेते हैं। तो भाई साहब अब जो है हमारा ये पेपर प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और भाई साहब अब आप लोग नज़ारा देख सकते हैं इस पेपर प्लेन का, ये लो भाई। ठीक है, ओ माय गॉड गाइस आप लोग देख सकते हैं वो किस तरह पंछी की तरह उड़ के जा रहा है। ओ गाइस, तो गाइस ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए अभी जो है हमारा प्लेन जो है मतलब जो है फ्लाई करा है हमने, नीचे से फिर से इसे वापस ला लिया। ठीक है, तो एक बार और फिर से जो है भाई हम लोग इसे उड़ाते हैं। ठीक है, 3 2 एंड ये रहा भाई 1। ओ गाइस ये वापस भाई घूम के हमारे पास ही आ गया है, यानी ये तो सेम वो वाला हो गया ना एक बूमरैंग एरोप्लेन की तरह जैसे नॉर्मल उड़ के आता था। ठीक है, अब फिर से जो है इस साइड अब एक बार उड़ा के देखते हैं। ठीक है, उधर से जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, नीचे से लेकर आना फिर से इधर। ठीक है, ये लो गाइस, ओ माई गॉड ये आप लोग देख सकते हैं गाइस क्या प्यारा, माई गॉड ये। गाइस बड़ा ही ज़्यादा मतलब जो है हमारा एरोप्लेन है यानी जो हमारा पेपर प्लेन है भाई बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भाई फ्लाई करा है और बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये जो ट्यूटोरियल है भाई ये भी बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ करना नहीं है आपको, देखना जो एक मेन पार्ट था उसका वही था जो मैंने कॉर्नर बताया, अगर वो बेस्ट है तो आपका प्लेन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से उड़ जाएगा। बट हाँ, अगर आप सोचते हैं इसे अगर छत पे उड़ाने का तो नॉर्मल अगर स्पेस रहेगा, नॉर्मल जो स्पेस है छोटी सी जगह में अगर है तो फ्लाई तो करेगी बट बाहर जाएगी तो ही, मतलब कि थोड़ी सी जगह में नहीं करेगी। ठीक है, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का जो लाइक हम रखते हैं वो रखते हैं भाई 50 लाइक का। ठीक है, तो आई होप आप लोग जल्दी से जो है पूरा कर दीजिएगा। और जो 10K की जो हमारी फैमिली है वो जल्दी से आप लोग पूरी कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी भाई को अपने फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।